स्टेज पर बैठे हुए मेरे तमाम सीनियर हजरात और यहाँ के मुकामी लीडरान हजरात, सामने बैठे हुए मेरे तमाम दोस्तों, इस शेर के साथ मैं अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ कि आप यूसुफ सही ये मिस्र का बाजार नहीं, जाइए आपका कोई खरीदार नहीं। एक मुद्दत से भटकने का अमल जारी है, वो कबीला होंगे जिसका कोई सरदार नहीं। जनाब वाला, बहुत सारे पहलुओं में यह बात होती रही है और होती रहेगी, मैं सिर्फ एक पहलू पर बात करना चाहता हूं कि मुसलमान लफ्ज नफरत के लायक क्यों है। मेरे यहाँ हिंदू भाई बैठे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि मुसलमानों से नफरत क्यों की जाती है, मुसलमानों में ऐसी क्या बात है कि जो नफरत के लायक है। जो बातें आप तक पहुंचाई गई हैं मुसलमानों से नफरत की, यकीनन वो सब गलत हैं, सब निराधार हैं, क्योंकि वो मजहब जो पहली दुनिया में शुरू हुआ, सबसे पहला जिसको सनातन धर्म बोलते हैं, उस धर्म का एक ब्रह्म सूत्र है, एकम ब्रह्म द्वितीय न नास्ति, एकम ब्रह्म द्वितीय न नास्ति नीय न नास्ति किंचन, ईश्वर एक है, दूसरा नहीं है, नहीं है और बिल्कुल नहीं है। और यही बात जब सनातन धर्म का अंतिम एक शास्त्र उतरता है जिसको कुरान कहा जाता है, उसके अंदर जो ब्रह्म सूत्र आता है लेकर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह एक है, इसके अलावा कोई नहीं है, तो हम अलग अलग हैं ही नहीं, एक दूसरे से नफरत क्यों की जाए थे जब हम हैं ही। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 31 जगह वेदों में जिक्र है, सनातन धर्म के अंतिम अवतार के तौर पर जिक्र है। अगर आप इस्लाम लफ्ज का संस्कृत रूपांतरण करते हैं तो वो सनातन निकलता है, सनातन का अरबी रूपांतरण लाते हैं तो वो इस्लाम निकलता है। और कुरान ने भी साफ साफ कह दिया कि ये जो कुरान का जो मजहब है ये कोई नया मजहब नहीं है, इससे पहले तमाम अवतारों के ऊपर उतारा गया और इससे पहले जितने भी अवतार रहे सबने एक तौहीद का इल्म दिया, एक ब्रह्म का इल्म दिया। और अगर आज का मुसलमान अपने अंतिम अवतार यानी कल्कि अवतार यानी नराशंस यानी मोहम्मद साहब जो कि सनातन धर्म के अंतिम अवतार हैं, अगर उनका अनुसरण कर रहा है तो हम लोग एक ही धर्म के हैं और अलग अलग सेक्ट को मानने वाले हैं, इसलिए हमारे बीच नफरत की कोई वजह नहीं है। इसलिए मैं आप सबसे इस बात का अनुसरण करना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को, अगर आपका बच्चा बहकता है, अगर आपका बच्चा किसी मजहब के खिलाफ अलग बातें करता है तो आप समझ लीजिए वो किसी गलत हाथों में है और वो मजहब के नाम पे कुछ गलत बातें सीख रहा है। अपनी नस्लों को सुधारिए, पकड़िए। आपका बच्चा आगे डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहता है या नारे लगाकर जेलों की शोभा बढ़ाना चाहता है, वो लोग जो लोग इस बात को फैला रहे हैं नफरत को, उनके बच्चे ऑक्सफोर्ड में पढ़ते हैं, अमेरिका में पढ़ते हैं और आपके बच्चे को गरीबी का झंडा दे करके नफरत की आग में झोंक दिया जाता है। बहुत सारे लोग कहने वाले हैं बस इसी के बाद इस कोशिश के साथ न समझोगे तो मिट जाओगे, ऐ हिंदुस्तान वालों तुम्हारी दास्तां तक ना होगी दास्तानों में। शुक्रिया।